जय श्री राम मित्रों, आज हम अच्छी फिटनेस के लिए एक अभ्यास सीखेंगे। जो लोग चाहते हैं कि हमारा मोटापा कम हो, हमारी बॉडी फिट दिखे, तो आज मैं आपको कई प्रकार के अभ्यास सिखाऊंगा जिनके द्वारा आप अपने शरीर को स्ट्रांग बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं, फिट बना सकते हैं। टुडे वी विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर द गुड फिटनेस, फॉर एनर्जीफुल फिटनेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर, यू कैन डू विद मी। नाउ स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डू माउंटेन वेरिएशन लाइक दिस। दिस इज माउंटेन क्लाइंबर। तो आपको ये माउंटेन क्लाइंबर करना है और इसको आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। एक मिनट से लेकर आप 5 मिनट इसका अभ्यास करें तो देखेंगे बेल्ट का एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा लाइक दिस। और 5 मिनट भी करते रहें। सामने देख सकते हैं इसका। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप फास्ट ब्रीदिंग करेंगे और पेट को थोड़ा सा टाइट रखेंगे जिससे कि पेट हमारा अंदर हो और फिटनेस हमारी अच्छी हो। और काउंटिंग के साथ करना चाहें तो आप 50 टाइम, 100 टाइम, 200 अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू कैन डू। रिलैक्स। तो ये था हमारा माउंटेन पोज का फर्स्ट वेरिएशन। सेकंड में हम अपने लेग्स को मूव करेंगे अंदर की साइड। देखिए एक साथ पैर अंदर, एक साथ बाहर। तो ये हमने 2 स्टेप करे। थर्ड ईयर में हम क्रंचेस करेंगे माउंटेन में। क्रंचेस जब आप क्रंचेस करेंगे देन यू हैव टू मूव योर लेग क्रॉस लाइक क्रॉस करके पैर को मूव करना है। और जब आप मूव करेंगे तो यू हैव टू एक्सहेल, सांस को बाहर छोड़ो लेग को अंदर करते समय। आप स्टार्टिंग में 10-20 के सेट कर सकते हैं, तो धीरे धीरे 50-100 के भी सेट्स कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रहा हूं 50 बार के लगभग। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे माउंटेन एंड कोबरा को। जब आप ये कोबरा पोजिशन में आएंगे तो आपको श्वास को बनना है। बट यू आर कम बैक इन कोबरा पोजिशन देन यू हैव टू इनहेल एंड कम बैक इन माउंटेन विथ एक्सहेल। इनहेल इन कोबरा पोजिशन, एक्सहेल माउंटेन पोजिशन। डू लाइक दिस 10 बार से देखिए आप 50-100 बार तक इसका अभ्यास करें। जब आप इस अभ्यास को करते हो फुल बॉडी में खिंचाव पड़ता है तो देखेंगे फ्रंट का एक्स्ट्रा फैट उससे कम होगा।
तो इस प्रकार आप ये माउंटेन और कोबरा का अभ्यास कर सकते हैं। फिर यहीं पे आप जो नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे इसमें माउंटेन में आपने अश्व संचालन करना है, जो कि हमारे फैट के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, थाइस के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। तो आपने इस प्रकार पहले एक पैर को बीच में रखना है, फिर दूसरा पैर पीछे रहेगा और ऐसे चेंज करना है। अभी हम हाज करेंगे, फिर इसमें होल्ड कर करके करेंगे। 1, 2, 3 और जो लोग एक साथ में कर सकते हैं इसको फास्ट को धीरे धीरे ही इसका अभ्यास करें तो आप भी फिर इसको जल्दी भी कर पाएंगे। आप आराम से भी कर सकते हैं। जब आप इस पोजिशन में आएंगे तो सांस को बनाएंगे। तो ये किया हमने 12 reps। अगर आप इसको थोड़ा सा और इजी बनाना चाहते हैं, फिर जो लोग जिनकी बॉडी में ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है तो उसको और इजी तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है किसी किसी का पैर दोनों हाथ के बीच में ना पहुंचे, तो आप अपने पैर को बाहर के भी कर सकते हैं इस प्रकार। ये पैर को हाथ के बाहर रख के भी आप इसमें बैंडिंग कर सकते हैं, तो इससे भी मोशन कम होगा। ऐसे जब आप इस पोजिशन में आएंगे तो श्वास को भरते आएंगे, छोड़ के वापस इनहेल, टेक योर पोजिशन लाइक दिस, एक्सहेल कंप्लीट। इसको भी आप 10 मिनट बाद से लेके 50 बार कर सकते, तो देखेंगे इससे आपके थाइस का फैट भी कम होगा, पेट का भी होगा और आर्म्स का भी होगा। तो ये हुआ हमारा अश्व संचालन का ही वेरिएशन हुआ। अब नेक्स्ट हम करेंगे, मैंने आपको बता दी कि उत्तानपाद के हम वेरिएशन करेंगे। उत्तानपाद में भी आप कई प्रकार से कर सकते हैं, 30 डिग्री पे, 40 पे, 60 पे, तो ये भी काफी अच्छा है। आप पूरा देखे और अपने पैरों को उठा के इस एंगल पे रखें, पहले दिन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बढ़ाते बढ़ाते आप एक एक मिनट के लगभग 5 सेट इसके करें, तो देखेंगे ये बेसिकली बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वासों को आप नॉर्मल कर सकते हैं वापस। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूं, आप इसमें 10 सेकंड से लेकर मैंने बताया 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, 2-3 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। ये हुआ 30, 40, 50, 60, ऐसे 90 तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 90 पे प्रेशर कम आता है, जो बेस्ट इसका जो खिंचाव आता है वो 30 से लेके 60 तक अच्छा आता है, 30 पे सबसे अच्छा आता है यहाँ पे।
वापस। तो पहले आप 30 भी करें, फिर 40 भी रोक के रखें, फिर 50 पे, ऐसे धीरे धीरे इसको आप बढ़ा के रोक सकते हैं डिफरेंट एंगल पे। तो देखेंगे बेली फैट को कम करने के लिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर रिड्यूसिंग बेली फैट। ये फिर इसमें आप मूवमेंट भी कर सकते हैं जिसको हम अर्धहलासन भी कहते हैं। इस प्रकार इनहेल अप एक्सहेल डाउन, तो इससे क्या होगा जितना भी फ्रंट का एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा, साथ ही से हमारा पाचन तंत्र नर्वस सिस्टम अच्छा होगा। तो इसको आप जितना हो सके कम से कम 5-10 मिनट से लेकर 10-15 मिनट तक कर रहे हैं अभ्यास को। एक ही मिनट एक ही स्टेप को आप 2-4-5 मिनट से लेकर 10-15 मिनट तक करें तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर से एक बार आप कर लेते हैं इनहेल अप एक्सहेल डाउन, श्वास को भर्ती पैरों के ऊपर ले आना छोड़ के नीचे। तो ये हुआ हमारा उत्तम का। नेक्स्ट आप इसी में अपना जो अगला अभ्यास करेंगे वो करेंगे नौकासन। नौकासन ये अद्भुत है, पेट को उत्तम करने के लिए सांस को रखिए छोड़ के और यहां पे रोक के रखें, जितना आप रोक सकते हैं रोक के रखें। वापस आप बीच में 10 से 20 सेकंड का गैप कर सकते हैं, 20 सेकंड का भी कर सकते हैं अगर आप एक मिनट होल्ड करें तो। श्वास को रखे छोड़ के आते रुक के रखें, तो ये आप कर सकते हैं। फिर आप प्लैंक भी कर सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया ये प्लैंक है, इसमें बॉडी को बिल्कुल फ्लैट करके रखते हैं सामने की ओर देखना है। यहाँ पे आप साइड प्लैंक भी कर सकते हैं, आपको जिस साइड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बेली फैट को कम करने के लिए, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूं, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। फिर आप आराम से बैठ के भी आलसी पालसी मार के सुखासन सिद्धासन में बैठ के फिर आप यहाँ पे साइड रनिंग करेंगे तो साइड रनिंग से भी इंचेस कम होते हैं हमारे। इस प्रकार स्टार्टिंग में हो सकता है आप थोड़ा ही बैंड करना तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इसमें बैंड करते जाएंगे और आप नीचे तक टच कर पाएंगे। सांस को भर के बैंड करना छोड़ के वापस,
तो ये हमारा 20 का है। इसमें आप एडवांस भी कर सकते हैं, हाफ को ऐसे इंटरलॉक कर सकते हैं खींच के और काफी ऐसे बैंड कर सकते हैं। धीरे धीरे इसमें आपकी बैंडिंग बढ़ती जाएगी और एक एक अभ्यास को आपने बताया 10-20 बार से लेकर 50-100 बार तक कर टाइम के साथ करना है तो 1-2 मिनट से लेकर 5-10 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं। जितना समय है 1 घंटा है तो 1 घंटे के हिसाब से करें अभ्यास को, 2 घंटे के करना तो 2 घंटे के हिसाब से सेट कर लें। तो मुझे ये स्टेप करना है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रकार। ये यहां पे आप ऑल्टरनेट रोटेट टच कर सकते हैं, एक साइड में सांस को रखते दूसरी साइड से छोड़ेंगे, वन साइड इनहेल अनदर साइड एक्सहेल, ऐसे आप इसको 50-100 बार से लेकर 200-300 बार तक करेंगे। जब आप पीछे जाएंगे तो हैंड को देखना है इसका, ऐसे इसको जल्दी जल्दी करना है। तो हमारी काउंट हो तो ऐसे आप इसका अभ्यास करें, दिखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे बॉडी से एक्स्ट्रा सैलरी कम हो जाएगा, फिर आप पैरों को गैप करके आज आपको मोस्ट इफेक्टिव स्टेप्स बता रहा हूँ जिनके द्वारा आप बहुत जल्दी अपनी वेट को कम कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपनी फिटनेस को अच्छा कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। दोनों हाथ इस प्रकार रखेंगे, सांस को बदल कर छोड़ के नीचे यहाँ पे कुछ आपको जितना पैर खोल सकते हैं उतना खोलें और खोलने के बाद यहाँ पे अपने डाउन करना है, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। अपने चिन या फिर चेस्ट को जमीन से लगाने का प्रयास करना है, इस प्रकार आप ये ओपन लेग फॉर्म बेंडिंग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अभी हम फॉर्म बेंडिंग करेंगे, इसको पश्चिमतानासन कहते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है वेट लॉस के लिए, गुड फिटनेस के लिए, गुड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो आपने क्या करना है, सांस को बढ़ते हम पीछे जाएंगे बहुत हैंड को और छोटी आगे, जब आप आगे जाएंगे बार बार ऐसे तो वो टच करना है, फिर आपको टू टच छोड़ने लगेंगे तो धीरे धीरे अपने सर को पैर पर लगाने का प्रयास करें। आगे इनहेल बैक एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैकवर्ड एक्सहेल फॉरवर्ड, डू इट अबाउट 10 टाइम टू 12 20 50 100 अकॉर्डिंग टू नीड।
जब आप आगे बढ़ेंगे चेस्ट चिन फोरहेड को भी टच करने का प्रयास करें। तो युवा भी 20 टाइम, तो ऐसे आप एक स्टेप को 10-20-50 बार तक कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लेफ्ट को मूव करेंगे, अपने हेड तक ले आने का प्रयास करेंगे, और इससे भी हमारे थाइस का एक्स्ट्रा फैट कम होता है, हमारे लेग्स का एक्स्ट्रा फैट कम होता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार पंजों को पकड़ना है और सर के पीछे ले आने का प्रयास करना है। 1, 2, 3 यहाँ से बाहर से भी पकड़ना, पैर को इस प्रकार अंदर से पकड़ना, इधर देख सकते हैं ऐसे हाथ को पैर को यहाँ से पकड़ना और सर के पीछे ले आने का प्रयास करें। इसे हो सकता है स्टार्टिंग में आपका ये यहाँ तक ही पहुंचे, तो आप सर तक ही टच करें, धीरे धीरे आपका ये पैर सर के पीछे पहुंच जाएगा। तो एक ही साइड से आपने 10-20 बार से लेके 50-50 बार भी कर सकते हैं। तो देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और एक्स्ट्रा फैट भी लेग्स का कम होगा। ऐसे धीरे धीरे पैर को पीछे ले आने का प्रयास करें। तो आज मैं आपको जो योगा बता रहा हूँ उससे फिटनेस भी अच्छी होगी, आपका वेट लॉस भी होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे अपना इंप्रूव कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। यहां पे नमस्ते भी कर सकते हैं। तो ये हमारा वन साइड हुआ, अब हम अनदर साइड से करेंगे, दूसरी साइड से। ऐसे पहले पैर को सर तक ले जाएंगे, ये जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें। ये आप साइड में ले सकते हैं, ऐसे पहले सर पे टच करना है, ये स्वीकार करना पैर को, यहां बाहर से नहीं पकड़ना है तो गलत हो जाएगा, अंदर से ऐसे हाथ को ले आकर फिर पकड़ना है। फिर पैर को सर के पीछे ले आने का प्रयास करें। सांस को भरके छोड़ के करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे आपके पैर खुलने लगे। तो ये आप इस प्रकार अपने लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और लेग्स का एक्स्ट्रा फैट भी कम कर सकते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे वो उससे हमारी बैकवर्ड बेंडिंग भी बढ़ेगी, लचीलापन भी बढ़ेगा हमारी कमर का, और फ्रंट का एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा, बैक का भी होगा और थाइस का भी होगा, हमारे होल बॉडी में उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमने क्या करना है, आप देखिए इस प्रकार हम नीचे वर्ग खड़े हो जाएंगे, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर नीज, देन कीप योर बोथ हैंड्स like this,
अपने हैंड्स को इंटरलॉक करके जब हम पीछे जाएंगे तो सांस को भरते जाना है और वापस आएंगे तो छोड़ के ऐसे थोड़ा थोड़ा बैंड करना है। जब आप पीछे रुकते हैं तो थाइस पे भी खिंचाव पड़ता है, स्टमक पे भी पड़ता है, फ्रंट में भी पड़ता है, बैक पे भी पड़ता है, तो फिर होल बॉडी का ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा बैंड कम होता है। गर्दन का भी हो रहा है, जिन लोगों को गर्दन पे एक्स्ट्रा फैट आ जाता है। तो यहां पे आप सीधा कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आप करेंगे, हैंड को मूव करके करेंगे, ऐसे दोनों पैर हैंड को पीछे ले आएंगे और अपने चेस्ट को ओपन कर दोगे ऐसे कर। यहाँ पे रुक के भी रख सकते हैं, ये उष्ट्रासन है कैमल पोज, तो इससे भी एक्स्ट्रा फैट कम होता है और हमारी बैंडिंग भी इम्प्रूव होती है। यहाँ पे आप रुक के भी रख सकते हैं आधा एक मिनट। ये करने के बाद आप ऐसे डायरेक्ट पोज में आए और थोड़ी देर रुक के रखें। तो ये अभी मैंने बिगिनर्स के लिए बताया था, जो एडवांस करना चाहे तो इसमें एडवांस भी हम कर सकते हैं, अपने हैंड को पीछे ले आके इस प्रकार और हील को पंजे रूप में रख सकते हैं या हील को ऐसे पकड़ के पीछे ले। तो अगर आप इस प्रकार भी करते हैं तो इससे भी हमारी बैकवर्ड बेंडिंग बढ़ती है और एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है। यह सब करने के बाद आप ये रैबिट पोज जरूर करें। तो ये अभी हमने कुछ अभ्यास सीखे जिससे कि आपकी फिटनेस भी अच्छी होगी, एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा बॉडी में, मोटापा भी कम होगा और आपकी बॉडी में लचीलापन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो देर आर सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ दीज पोस्चर्स। तो इन अभ्यासों में बहुत सारे लाभ हैं। इफ यू आर डूइंग दीज स्टेप्स इन योर डेली रूटीन then definitely you can become a good man, good fitness person and good flexible person. So I hope that you can follow these all the steps and you will try to do these all the steps at your home and then you can become a smart fitness, good fitness person etc. whatever you like. तो आप इन अभ्यास को करते रहिए, देखेंगे आपकी बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा, आपकी फिटनेस अच्छी दिखेगी और आप मस्त रहेंगे, कभी कोई रोग नहीं आएगा। और यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन योगा सीख सकते हैं। मेरा नंबर है 7060211885 7060211885। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टीच यू बेटर योगा प्रैक्टिस फॉर योर कंप्लीट हेल्थ। नमस्ते टू एवरीवन।